हेलो क्लास, आज का मेरा टॉपिक है के मेडियोइड एल्गोरिथम। के मेडियोइड एल्गोरिथम के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे के इक्वल टू टू, के इक्वल टू टू हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स को डिनोट कर रहा है, जैसे कि आप पहले के न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम दो क्लस्टर्स रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। वी सेलेक्ट टू रैंडम रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने x2 वाली रो ले ली 3.4 और x8 वाली रो ले ली 7.4, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। अब c1 वाले क्लस्टर के लिए टेबल बनाएंगे, c2 वाले क्लस्टर के लिए टेबल बनाएंगे। c1 वाले क्लस्टर के लिए टेबल ऐसे बनाएंगे कि हमने पूरा डाटा सेट कॉपी कर दिया, बस हमने x2 वाली रो नहीं ली और x8 वाली रो नहीं ली, क्योंकि ये दोनों रोज c1 और c2 क्लस्टर्स हैं। c1 और c2 टेबल में हमें x2 और x8 वाली रो इंक्लूड नहीं करनी है। उसके बाद C1 की वैल्यूज़ कहाँ से आई? जो C1 की वैल्यू थी क्लस्टर में 3.4, वो हमने यहाँ पे लिख दी 3.4 रिपीट कर दी हर रो के लिए। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करी? डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले से इवेल्यूएट करी, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस सी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस डी, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 मॉड ऑफ 6 माइनस 4 कितना आया? कॉस्ट हमारी 3। मॉड ऑफ 3 माइनस 3 मॉड ऑफ 8 माइनस 4 कितनी आई हमारी? कॉस्ट 4। इसी तरह से आपने सबकी कॉस्ट निकाल लेंगे और इसी तरह से आप सेकंड वाले क्लस्टर के लिए जो कि 7.4 है, यहाँ पे C2 की जगह बस आप यहाँ C1 में 3.4 था, C2 में आप 7.4 रिपीट कर देंगे। उसी तरह से आप कॉस्ट इवेल्यूएट करेंगे, मॉड ऑफ 2 माइनस 7 मॉड ऑफ 6 माइनस 4 कितना आएगा? 7। इसी तरह से आप कॉस्ट इवेल्यूएट कर लेंगे। फिर आपको दोनों टेबल्स में से मिनिमम कॉस्ट लेनी है, X1 X2 से लेके X10 रो तक। कंपेयर कॉस्ट ऑफ C1 एंड C2 फॉर एवरी आई। हर आई वैल्यू के लिए आपको C1 C2 की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे X1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है कॉस्ट की? 3। यहाँ पे X1 की कितनी? 7। तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे 3। इसी तरह से 4 4। अब उसके बाद X5 जब देखेंगे तो X5 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 5। और यहाँ पे कितनी है? 3। तो इसी तरह से हमें 3 1 1 2 2 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे C2 क्लस्टर से, और C1 क्लस्टर से 3 4 4 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो C1 वाला क्लस्टर है, इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू कौन सी होगी? जो हमने इसके सामने जो क्लस्टर की वैल्यू कम आई है 2.6, और थर्ड वाले X3 के लिए 3.8, X4 के लिए 4.7, जो हमने कोऑर्डिनेट वैल्यू सेलेक्ट करी है 4। जो कॉस्ट फैक्टर हमने सेलेक्ट करा है, इसके करस्पॉन्डिंग हम कोऑर्डिनेट देखेंगे 4.7, 3.8, 2.6। वैसे ही सेकेंड वाले क्लस्टर के करस्पॉन्डिंग हम मिनिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट देखेंगे 6.2, 6.4, 7.3, 8.5, 7.6। अब देखिए यही चीज़ हमने लिख रखी है 2.6, 3.8, 4.7। साथ ही में हमने C1 क्लस्टर को भी इंक्लूड कर लिया 3.4, और क्लस्टर C2 के लिए हमने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं 6.2, 6.4। देखिए 6.2, 6.4, 7.3, 8.5, 7.6, और लास्ट में खुद क्लस्टर की वैल्यू है 7.4। उसके बाद कॉस्ट इवेल्युएट करेंगे। कॉस्ट कैसे इवेल्युएट करी हमने? 3.4 का पेयर बनाएंगे एक बार 2.6 के बाद 6 के साथ, 3.4 का पेयर बनाएंगे 3.8 के साथ, 3.4 का पेयर बनाएंगे 4.7 के साथ, फिर सेकेंड वाले क्लस्टर का पेयर भी बनाएंगे 7.4, 6.2, 7.4, 6.4, 7.4, 7.3, 7.4, 8.5, 7.4, 7.6। फिर उसके बाद सारे क्लस्टर्स की वैल्यू ऐड कर देंगे C1 वाले क्लस्टर में जो मिनिमम वैल्यू थी 3, 4, 4, 3 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब हम एक नॉन मेडियोइड क्लस्टर कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने X7 वाली रो सेलेक्ट करी और C1 वाली रो रहने दी, C2 वाला क्लस्टर हमने हटा दिया जो कि जिसकी वैल्यू थी 7.4। हमने दूसरा क्लस्टर ले लिया जो कि नॉन मेडियोइड है, रैंडमली सेलेक्ट करा 7.3। अब हम 7.3 क्लस्टर के लिए जो कि नॉन मेडियोइड है, उसके लिए टेबल बनाएंगे। अब टेबल में आप कौन सी दो रोज इंक्लूड नहीं करेंगे? एक तो X2 वाली रो और एक X7.3 है, तो 7.3 के लिए हम X7 वाली रो इंक्लूड नहीं करेंगे, X2 और X7। देखिए X2 वाली रो इंक्लूड नहीं है और X7 वाली रो इंक्लूड नहीं है।
उसी तरह से आपने 7.3, हमारा क्लस्टर हमने यहाँ पे 7.3 के लिए चल रहे हैं, तो 7.3 सेवन ओ डैश में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 7.3 7.3 7.3, उसके बाद डिस्टेंस इवेल्युएट करेंगे, मॉड ऑफ 2 - 7 मॉड ऑफ 6 - 3 कितनी आएगी वैल्यू, 8। इस तरह से हमारा इवेल्युएट हो जाएगी वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होगी दोनों क्लस्टर्स में वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से 3.4 के लिए, 3.4 के लिए हम फिर से वैल्यू क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा X8 वाली रो पहले वाले क्लस्टर में नहीं थी, और यहाँ पे X7 मतलब दोनों क्लस्टर से हम X2 और X7 वाली रो हटा देंगे। तो इसी तरह से 3.4 C1 वाला हो जाएगा। अब उसका डिस्टेंस निकालेंगे, 2 - 6 6 - 6 - 4 2 - mod of 2 - 3 mod of 6 - 4 डिस्टेंस कितनी आ गई, 3। अब उसी तरह से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 3 4 4 जो सर्कल कर रखी वैल्यूज वो मिनिमम वैल्यूज हैं, और यहाँ पे जो सर्कल कर रखी वैल्यूज वो दोनों क्लस्टर्स के कंपैरिजन में मिनिमम वैल्यूज हैं। और उसी तरह से आप दोनों क्लस्टर्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे, और फिर से क्लस्टर दोनों क्लस्टर बनाएंगे, दोनों क्लस्टर बनाने के बाद दोनों क्लस्टर्स की वैल्यू ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा पहले वाले क्लस्टर की करंट क्लस्टर की वैल्यू कितनी आ रही थी, 22, और पास टोटल जो हमारा पहले वाला क्लस्टर की वैल्यू कितनी आ रही थी ऐड करने में, 20। तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 का हमारा डिफरेंस 2 का आ रहा है। सो मूविंग ओ डैश मतलब कि अगर हम दूसरा नॉन मेडियोइड क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं ओ डैश, तो वो हमारे लिए अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, हमारी पहले वाली चॉइस ही अच्छी रहेगी। आपको ये न्यूमेरिकल कंप्लीट समझ में आया होगा, थैंक यू।